हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। आप लोगों के रिक्वेस्ट पे आज मैं एक वीडियो लेके आई हूँ। जब मैंने आपको मेनोपॉज वाला एक वीडियो डाला था कि उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम होती है और आपको कैसे अपना उन सारी मेनोपॉज की प्रॉब्लमों के बाद कैसे अपना ट्रीटमेंट करना है, उसी में बहुत सारे लोग ने मुझसे एक कमेंट करके पूछा था कि जिन लोगों को जल्दी पीरियड बंद हो जाते हैं या फिर जिन लोगों को 6 महीने तक पीरियड नहीं आते हैं, कभी कभी एक जैसे 3-4 महीने रुक के आते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें। यानी मेनोपॉज की प्रॉब्लम जिन लोगों को जल्दी आने के चांसेस हैं या फिर मेनोपॉज की प्रॉब्लम से वो कैसे बचें, क्योंकि फ्रेंड्स आप सब जानते हैं हर लड़की को ये जो दिन होते हैं काफ़ी मुश्किलों वाले दिन होते हैं। और जब तक समझ लीजिए हमारे पीरियड्स रेगुलर हो रहे हैं, इट मींस कि हम हमारे जो हॉर्मोन्स हैं वो रेगुलर हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से जब ये पीरियड इनरेगुलर हो जाते हैं, महीने में कभी कभी 2 बार आ जाते हैं, कभी 3-3 महीने नहीं आते, कभी 6-6 महीने नहीं आते हैं, तो इट मींस कि हमारे हॉर्मोन्स कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हैं और हम पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको यही तरीके बताऊंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप जल्दी मेनोपॉज के तरीकों से बचें, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है आजकल में लोगों को 40, 38, 42 में ही मेनोपॉज की प्रॉब्लम होने लगी है, जिसकी वजह से एक तो बेबी की वजह से तो बेबी तो उनको हो नहीं सकता, दूसरी चीज़ ये हो रही है कि चिड़चिड़ापन काफ़ी हो रहा है, बॉडी बिल्कुल फैलती जा रही है हॉर्मोन्स डिसबैलेंस की वजह से, मूड स्विंग होता है, डिप्रेशन तक में वो चली जाती हैं। तो इसीलिए मतलब ये किसी को पता तो होता नहीं है कि मुझे मेनोपॉज की दिक्कत आएगी, लेकिन अगर इस तरह के उपचार आप करेंगी जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ घरेलू उपचार हैं, तो आपको मेनोपॉज की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी और आपका पीरियड हमेशा रेगुलर रहेगा। और सबसे बड़ी बात है आयुर्वेदिक है, हर चीज़ घर में अवेलेबल है, तो आपको कहीं भी बाहर जाने या मार्केट से परचेज करने की ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जो होगी छोटी मोटी चीज़ ही है। 4-5 रेमेडी बताऊंगी, जो भी चीज़ आपको सूट करे आप वो ले सकते हैं, लेकिन आप सोचिए कि आप मतलब ये करिएगा कि जब भी आपको पीरियड आए आप उसे लीजिए, पीरियड रेगुलर आएगा, मेनोपॉज की प्रॉब्लम से बचेंगी, डिप्रेशन से बचेंगी, हेल्दी लाइफ स्टाइल जिएंगी, क्योंकि अगर आपके हॉर्मोन्स हेल्दी रहेंगे तो आप भी हेल्दी रहेंगी, डिप्रेशन से बचेंगी, मोटापे से बचेंगी। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में एक जो बेल आइकन लगी है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पा सकें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जो फर्स्ट रेमेडी करनी है, आई थिंक हर कोई इसे कर सकता है, आपको प्याज का सूप बनाना है। जैसे नॉर्मल आप सूप आते हो, अगर आप बोलोगे तो मैं इसकी रेसिपी शेयर कर दूंगी, वरना कोई ये इतनी बड़ी चीज नहीं है। आपको जस्ट प्याज का एक प्याज का सूप बनाना है, उसमें आपको थोड़ा सा गुड़ मिला के इसे पीना है और आपका पीरियड जो है रेगुलर आएगा। आप 2 दिन इसे पीजिए, देखिए आपका पीरियड रेगुलर आएगा। आपको तुलसी की जड़ का चूर्ण को शहद के साथ लेना है, ऐसा करने से भी आपका पीरियड रेगुलर आएगा और आप मेनोपॉज की दिक्कतों से बचेंगी। इस गाजर के बीज, मूली के बीज और मेथी के बीज को इनको बराबर क्वांटिटी में आपको लेके पीस लेना है, और जैसे कि जब भी आपको लगे कि आपकी डेट आने वाली है आपको उसे 10 ग्राम पानी के साथ खाना है। इससे काफ़ी दिन से रुकी हुई महामारी भी आपकी आएगी, यानी कि मान लीजिए आपका दो महीने से नहीं आया है किन्हीं कारणों की वजह से, तो वो भी आएगी और आप जो मेनोपॉज की प्रॉब्लम है उससे भी कहीं ना कहीं हद तक निजात पाएंगे। 4 रेमेडी इस हर कोई अफोर्ड कर सकता है, केले के रस में आपको चीनी मिलाकर पीना है, 3 दिन पीजिए, देखिए रुके से रुके हुए महामारी आपके टाइम पर आएगी और आप मेनोपॉज की दिक्कतों से बचेंगी। इस आपको कच्चे पपीते का जूस और एलोवेरा जूस को बराबर मात्रा में मिलाकर पीने से भी आपके रुके हुए पीरियड काफ़ी आएंगे, अगर इनरेगुलर पीरियड हो रहे हैं तब भी आएंगे। इस जो मैंने 5 रेमेडी बताई है ये हर तरह के लोगों के लिए फायदेमंद है, यानी जिनका पीरियड बहुत जल्दी जल्दी आता है वो इसे नहीं लेंगे, जिनका रुका हुआ है किन्हीं कारणों से नहीं आ रहा है, 4-5 महीनों से नहीं आ रहा, PCOD की प्रॉब्लम है या फिर किन्हीं भी कारणों से आपको पीरियड नहीं हो रहा है, तो वो सारी
वाली रेमेडी फॉलो कर सकते हैं और इन तरीकों से आपकी जो मेनोपॉज की प्रॉब्लम है उससे भी आप कहीं ना कहीं हद तक निजात पाएंगे। और कैसा भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछे। आई होप गाइज ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और मतलब कि अगर जो भी लड़कियां हैं अपने बेस्ट फ्रेंड को शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, अपने फेसबुक पेज पे इसे शेयर करिए ताकि इस वीडियो को और लोग भी लाभ उठा सके। मेडिसिन लेना अच्छी बात है लेकिन मेडिसिन हर चीज में कारगर नहीं साबित होती है। ऐसी चीजों में आयुर्वेद या फिर घरेलू नुस्खे काफी काम आते हैं। पहले के जमाने लोग यही घरेलू नुस्खे यूज करके कहीं ना कहीं तक सही रहते थे, उतनी ज्यादा हार्मोन प्रॉब्लम नहीं होती थी जो अब की जनरेशन में आ रही है। तो इस ऐसी रेमेडी फॉलो करिए, हर गर्ल तक इसे पहुंचाइए ताकि लोग अच्छी लाइफ जी सके, अपने जो डिप्रेशन के शिकार ना हो बिल्कुल भी, और उनका पीरियड भी रेगुलर हो, हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम ना हो, आगे चलकर उन्हें बच्चे होने में भी प्रॉब्लम ना हो। आई होप गाइज अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। 4:30 बजे आपको ये वीडियो मिलेगा और 10 बजे मैं लाइव आऊंगी। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।